Downtown is something like you go to the center of hub of the city. जो लोग अंधेरी बांद्रा suburbs पे जो रहते हैं वो लोग हमेशा बोलते हैं कि चलो let's go downtown, town चलते हैं. तो उस तरह से ये एक जो सब्जेक्ट है ये पूरा टाउन के यंगस्टर्स जो है जो पैसे वाले लड़के होते हैं वो लोग किस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं उस तरह का कुछ सब्जेक्ट है. जो लड़के आजकल जो बड़े अमीर हैं पर कहीं ना कहीं वो लोग अपनी वैल्यूज़ भूल चुके हैं, इमोशंस भूल चुके हैं. जैसे आप देखते हैं हादसा हो गया, एक BMW चढ़ गई फुटपाथ पर, लोग मर गए, तो आदमी जिसने मारा वो कोई स्मगलर या डकैत नहीं, वो एक अमीर बाप की बेटा है, अच्छा इंसान है, लेकिन समवेयर शराब पिया हुआ था. उस किस्म के एक लड़के की कहानी है. Did my homework and actually let's see. I mean, my director is very happy with my work and that's what is my reward. Akhil is a very dramatic actor. It is fantastic. Sanjeev-Darshan has done very remarkable job. हम लोग बहुत ही young और बहुत ही romantic इंसान हैं. हमेशा youthful और romantic music ही दिया है, चाहे मन हो, दीवाने हो, हमारा दिल आपके पास हो. और ये हमारा forte है कि हम music जब romantic film आती है तो हम दोनों एकदम peak पे रहते हैं. इसकी म्यूजिक पे बहुत मेहनत हुई है. अंदलीप सुल्तानपुरी साहब जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, मजनू साहब के बेटे हैं, तो उनके साथ हमारा कॉम्बिनेशन एक नया कॉम्बिनेशन है. एक बहुत ही एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होगी इस कॉम्बिनेशन के साथ. सो दैट्स व्हाई बहुत मेहनत की है इस फिल्म पर. द क्यूरियोसिटी ऑफ टू यंग फेसेस एंड जैसे फिल्म का नाम डाउनटाउन है, एयरपोर्ट डाउनटाउन के होते हुए इट्स नॉट अ रेगुलर रन ऑफ द मिल एक्शन फिल्म. वरना बॉम्बे सिटी से आप अगर वो रखिए रिलेटेड तो या तो डोंगरी और धरावी में जाएंगे हम, या तो अंडरवर्ल्ड में जाएंगे, या हार्ड कोर कॉरपोरेट लेवल पे जाएंगे. बट ये फिल्म वैसी कोई नहीं है. ये फिल्म एक रोमांटिक फिल्म है. द होल कंसेप्ट है कि बॉम्बे एसोसिएटेड है कि रोज़मर्रा का धक्का मुक्की में आदमी जीता है. उस जीने के हालात के अंदर दो लोग मिलते हैं, उनमें प्यार हो जाता है.